ये है हमारा फिफ्थ चैप्टर सर्कल एंड पॉइंट्स। ये मोहन के लिए एमए मंथ क्लास के सिलेबस से देख लो, ये है चैप्टर नंबर थर्ड, इसमें पार्ट नंबर थर्ड, ये फिफ्थ चैप्टर है सर्कल एंड पॉइंट्स। ऑलरेडी वी हैव सीन सर्कल, देन पैराबोला, अब ये थर्ड पार्ट है इलिप्स। ये यमुन फ्रॉम इलेवेंथ क्लास, यू नो इलिप्स और सर्कल में हमने देख लिया है पहले, सर्कल एंड कॉनिक्स के फर्स्ट यू नो वेरी वेल, यस पी इक्वल टू ई इन टू पी एम आई हैव डिराइव्ड यू। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने तुम्हें बताया था, ये यस पी इक्वल टू ई इन टू पी एम, इट इज नोन एज फोटस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी फॉर कॉनिक। ये है फोटस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी फॉर कॉनिक। अगर ईटा वैल्यू, यू नो वेरी पैराबोला के लिए ईटा वैल्यू वन था, पैराबोला के लिए ईटा वैल्यू वन था। अब यहाँ पर इलिप्स है, इलिप्स के लिए कंपल्सरी दोस्तों याद रखो ई ग्रेटर देन वन एंड लेस देन ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। देख लो सब जन के फॉर इलिप्स के लिए कंपल्सरी याद रखो जीरो लेस देन ई लेस देन वन, ये है इसेंट्रिसिटी का कंडीशन, कंपल्सरी लेस देन वन। अब देख लो दोस्तों, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पी पी यानी व्हाट, पी यानी एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, मालूम है, यस यानी ये फोकस, और पी एम यानी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, देख लो सब जाना है ये क्या है, ये सपोज ये कॉनिक्स है हमारा, ये पी पॉइंट है एक्स वन वाई वन एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, देन यस यस यानी व्हाट, ये है फोकस है, यस यानी ये है फोकस, देन पीएम पीएम यानी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू दिस लाइन यानी फिक्स लाइन, इट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। देख लो सब के लिए, फॉर पैराबोला इलिप्स एंड हाइपरबोला, पी यानी एनी पॉइंट ऑन कॉनिक, जो भी कॉनिक है, कॉनिक यानी ग्राफ हमारा, और यस यानी फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, इट इज नोन एज फोकस। देन पीएम पीएम यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, यस पी इक्वल टू ई इंटू पीएम, अब इट इज नोन एज फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी फॉर कॉनिक, व्हेनेवर ई लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो इट इज नोन एज इलिप्स। ये हमें इलिप्स मिलेगा, अब देख लो क्या ही है इलिप्स के लिए, ये पॉइंट सर्कल एंड कॉनिक्स में उसके साथ साथ ईच एंड के भी, ये मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन उसका डेरिवेशन नॉट पॉसिबल, अब कुछ भी काम का। अब देख लो मैं पॉइंट्स ये ग्राफ में बताऊंगा और टेबल में बताऊंगा, तुम केयरफुली देखते जाओ। हाँ वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलिप्स, दो टाइप्स के इलिप्स है, एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू वन, ये है हमारे लिए इक्वेशन। देन हियर ए इज ग्रेटर देन बी, याद रखो क्या ये, देन एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू वन, हियर ए इज लेस देन बी। अब ये कर्व्स यानी ग्राफ्स, कर्व्स यानी ग्राफ्स कहाँ पर है, ऐसे है देख लो आप, ये फर्स्ट रोड यानी ये ग्राफ हमारा, ये ग्राफ्स यानी कर्व, याद रखो समझ में आ रहा तो देख लो बराबर, ये पहला पॉइंट है हमारे लिए कर और ग्राफ, हाँ जो भी है वो ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ यानी देख लो क्या ये फॉर ये हमारे लिए प्लेन हमारा, सिमिलरली ये है हमारे लिए प्लेन, हाँ इलिप्स, इलिप्स के लिए देख लो ये एक्स वाई प्लेन, हाँ we have two types of ellipse, yani what, eight along x axis, eight along x axis, dekh lo kya hai ye form mein hota hai, ha ye this ye form mein hai along x axis, ye along x axis hai, dekh lo kya hai along x axis, ye hamara ellipse hai along x axis, then thoda press kare wala thoda yani what ये जो भी है थोड़ा सा देख लो, ये ऐसा ये है हमारे लिए इलिप्स अलोंग
एक्स एक्सिस है, अराउंड एक्स एक्सिस है, देख लो क्या है ये, ये इलिप्स अराउंड एक्स एक्सिस, हाँ देख ये है सिमिलरली अराउंड वाई एक्सिस है, ये फॉर्म होगा ऐसा, हाँ देख लो पॉइंट ये सेंटर, दोनों का सेंटर ओरिजिन सब जनरेटर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वी हैव इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ये इलिप्स के लिए देख लो, हाँ ये देख लो ये है इलिप्स, इफ वी हैव टू टाइप्स ऑफ कर्व्स, टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, इक्वेशन आर टू टाइप्स, यहाँ पर ए ग्रेटर देन ए भी होता है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन भी होता है, अब ये सेंटर है ओरिजिन, दोनों के लिए सेंटर ओरिजिन देख लो दोस्तों पॉइंट्स कैसे है, दूसरा पॉइंट है सेंटर, मैं यहाँ पर ईच एंड एवरी पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊंगा, वो पॉइंट तुम यहाँ पर देख लो, हाँ क्या इच्छा है, सेंटर दोनों के लिए, तो सेंटर दोस्तों ओरिजिन है, दोनों के लिए सेंटर ओरिजिन यानी व्हाट, जीरो कॉमा जीरो, यहाँ पर जीरो कॉमा जीरो, हाँ देख लो हाँ सेंटर, देन हाँ फर्स्ट पॉइंट यानी व्हाट सेंटर कंपल्सरी है, देन वर्टेसेस ये थर्ड पॉइंट है, देखो वर्टेसेस क्या है देख लो, हाँ वर्टेसेस, वर्टेसेस यानी व्हाट, यू नो वर्टेसेस, वर्टेसेस यानी व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्सिस, क्या है वर्टेसेस यानी व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्सिस, हाँ क्या है ये देखो ये है ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज इसको ए बोलेंगे इसको ए डैश, ये बी है ये बी डैश, ए एंड ए डैश अलोंग एक्स एक्सिस, ए एंड ए डैश अलोंग एक्स एक्सिस कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस ए होता है स्मॉल ए, और ये डिस्टेंस ए यानी व्हाट प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, देख लो दोस्तों कंपल्सरी ए कॉमा जीरो और ए डैश के लिए माइनस ए कॉमा जीरो, मालूम नहीं है ये डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी ये ए होता है स्मॉल ए, अब ये है यहाँ पर स्मॉल ए दोनों सेम है, हाँ ये है मिड पॉइंट, ए ए डैश का मिड पॉइंट ओ होता है कंपल्सरी ए कॉमा जीरो है माइनस ए कॉमा जीरो, अब ये इसके लिए बी के लिए है, ये बी के लिए देखो क्या है जीरो कॉमा बी एंड बी डैश जीरो कॉमा माइनस, याद रखो ये सेम दोनों के लिए सेम है, ए ए ए डैश और ये बी बी डैश दोनों के लिए सेम दोस्तों, देख लो क्या ये ए क्या ये ए कॉमा जीरो ए डैश माइनस ए कॉमा जीरो देन बी जीरो कॉमा बी और ये बी डैश जीरो कॉमा माइनस, ये है वर्टेसेस, यू शुड नो वर्टेसेस यानी व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड एक्सिस, ये हमारा ग्राफ है ये ग्राफ और ये एक्सिस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी वर्टेसेस, ये थर्ड पॉइंट है वर्टेसेस, देन फोर्थ पॉइंट के लिए, फोर्थ पॉइंट के लिए लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस का लेंथ यानी व्हाट, देख लो ये क्या है एक्सिस है इधर ये डिस्टेंस ए और इधर डिस्टेंस क्या है ना डिस्टेंस यानी एक्स होता है कोऑर्डिनेट माइनस ए लेकिन डिस्टेंस ए इधर ए इधर ए, कंपल्सरी याद रखो दोस्तों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर ये क्या है ए इधर ए और इधर ए है क्या ये 2a है 2a और ये ऊपर क्या होता है ये और y एक्सिस क्या ये b है और ये नीचे b है यानी और 2b, हाँ अब इसके ये सेकंड टाइप का जो इलिप्स है ना ये है ना ये अलॉन्ग x एक्सिस बड़ा है अलॉन्ग सॉरी y एक्सिस बड़ा है ये अलॉन्ग y एक्सिस है ये अलॉन्ग x एक्सिस है, हाँ इसके लिए मेजर यानी व्हाट मेजर यानी ऊपर का डिस्टेंस ये बी होता है और ये डिस्टेंस ए होता है, यहाँ पर क्या है मेजर के लिए टू बी और माइनर के लिए टू ए, कंपल्सरी याद रखो ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, हाँ देन उसके बाद इक्वेशंस ऑफ एक्सिस के लिए एक्सिस यानी व्हाट देख लो क्या ये
ये है क्या है, ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस मेजर, और ये माइनर है, ये माइनर छोटा है नहीं माइनर, ये मेजर यानी ये बड़ा और माइनर यानी छोटा, ये एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस यानी व्हाट, देख लो आप मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस के मेजर और माइनर एक्सिस, एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस याद रखो एक एक्स एक्सिस कंपल्सरी, एक्स एक्सिस यानी इक्वेशन क्या होता है वाई इक्वल टू जीरो, ये वाई एक्सिस है यानी व्हाट इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो, माइनर माइनर यानी ये छोटा है, ये छोटा है माइनर यानी व्हाट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये क्या है एक्स इक्वल टू जीरो, ये है एक्स एक्सिस क्या होता है ये वाई इक्वल टू जीरो, देख लो दोस्तों आप ये बहुत यानी बहुत ही ओनली पॉइंट्स केयरफुली देख लो, नियर अबाउट क्वेश्चंस आर टोटली ऑन दिस पॉइंट्स है, हां ये एआईटी सिलेबस का है, ये थ्योरी के लिए चैप्टर नहीं है, तो भी इसके लिए पॉइंट्स देख लो कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं, हां देन देख लो सिक्स्थ पॉइंट है, ये है इसेंट्रिसिटी सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई देख लो दोस्तों, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई घुमाएं क्या होता है ये बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू वन माइनस ई स्क्वेयर, अब ये तुम्हें एडिटिव करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन ए बी ई बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर वन माइनस ई स्क्वेयर, सिमिलरली ए स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर इंटू वन माइनस ई स्क्वेयर, ये है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई दोस्तों देख लो आप, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, और सेवंथ पॉइंट देख लो इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी लास्ट पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट है इसेंट्रिसिटी है, हम इसको ही सॉल्व करेंगे ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाय ए, तुम इसको सिंप्लीफाई करो इसको सॉल्व करो ये मिल जाता, सिमिलरली ई इक्वल टू व्हाट बी स्क्वेयर सॉरी ये क्या है माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय बी, देखो ये सेंट्रिसिटी के लिए इसके रिलेशन बिटवीन ए बी ई को सॉल्व करो यू विल गेट दिस वन, ये चार मिलेगा हमें, ये सेवंथ पॉइंट मिलेगा इसेंट्रिसिटी, पॉइंट्स केयरफुली देख लो बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबके लिए, मैं प्रोवाइड कर रहा सेंटर, सेंटर यानी दोनों का सेंटर कंपल्सरी ओरिजिन, वर्टेसेस वर्टेसेस यानी व्हाट वर्टेसेस यानी व्हाट, इधर ए है इधर ए डैश है, ऊपर बी है नीचे बी डैश है, सिमिलरली ऑन एक्स एक्सिस ए एंड ए डैश, ऑन वाई एक्सिस बी एंड बी डैश, देख लो क्या है ये वर्टेसेस है, देन लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस यानी ये ऑन एक्सिस यानी कभी भी याद रखो ये जो ऑन लेंथ ज्यादा नहीं है ये बड़ा है और ये छोटा है एज कम्पेयर टू एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे लेंथ छोटा है, इट इज नोन एज मेजर और ये माइनर, ये कंपल्सरी वे है ऑफ टेटर, इसको ए होता है ये ए होता है, ये टोटल डिस्टेंस टू ए होता है, ये टू ए का मिड पॉइंट है ओ, इसीलिए ए इधर ए और इधर ए, ये नेगेटिव यानी माइनस ए कॉमा जीरो और पॉजिटिव यानी ए कॉमा जीरो, ये है तुम्हारे लिए ये है मेजर एक्सिस टू ए, मेजर एक्सिस टू ए है ना टोटल लेंथ टू ए और माइनर टू बी, ये उल्टा ये टू बी और टू ए, देन इक्वेशंस ऑफ एक्सिस, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस यानी व्हाट डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस ये है ना ये एक्स एक्स पर वाई एक्सिस इक्वेशन सॉरी इक्वेशन के लिए एक्स एक्सिस यानी कंपल्सरी वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या है वाई एक्सिस यानी कंपल्सरी एक्स इक्वल टू जीरो, देन यहां पर ले लो ये क्या है एक्स एक्सिस और क्या ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई यानी मेजर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स यानी क्या है ये एक्स यानी क्या है ये माइनर वाई इक्वल टू जीरो, देन ये कंपल्सरी पॉइंट है, ये थ्योरम ग्यारहवीं का जो थ्योरम है थ्योरम उसको थ्योरम सॉल्व करने के बाद तुम्हें बी स्क्वेयर का वैल्यू ये मिलेगा, अब यहां पर तुम्हें ये एज इट इज देना है बी
square equal to a square into 1 minus e square. Or similarly for along y axis के लिए a square equal to b square into 1 minus e square. क्या है इसे रेसिपी t equal to under root of a square minus b square by a. अब यहाँ पर क्या है t equal to under root of b square minus a square by b. ये है हमारे ये seventh point का. इसके बाद देख लो क्या है ये points are very 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 most important for you. Points मालूम होना हाँ ये बहुत यानी बहुत important है. Problems are totally on this on these points. ये बहुत बहुत easy है ये points. You should know exactly of क्या है क्या है वो points. देखो के बाद सेवन के बाद एट पॉइंट के लिए एट पॉइंट का एट पॉइंट देखो क्या है फोटा है फोटा है ये फोटा यानी फोटस. एक ऐसा होता है दोस्तों देख लो इधर एक फोटस होता है यस इधर होता है यस डैश. सिमिलरली इस ये यस और ये क्या है यस डैश दो है फोटा यानी कंपल से ऐसा देना पड़ेगा तुम्हें प्लस माइनस ए कॉमा जीरो और इसके लिए जीरो कॉमा प्लस माइनस बी इनके लिए प्रूफ है सिलेबस के लिए. दिस टाइम वी हैव नॉट मच टाइम हम यहां से स्टार्ट करेंगे. ये फोटा है फोटा है फोटा के बाद देख लो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट प्रेसिस क्या है ये Equations of direct prices. Equation of direct prices. देखो क्या है direct prices. Direct prices यानी देखो दोस्तों आप देख लो केयरफुल है direct prices यानी ये लाइन इधर इधर एक होता है और ये सिमिलरली ये लेफ्ट साइड में एक होता है ये directrix यानी D और ये D डैश. सिमिलरली इसके लिए भी ये डायरेक्ट्रिक्स ऊपर एक ये डायरेक्ट्रिक्स है डी और ये नीचे इट इज नोन एज डायरेक्ट प्राइसेस. हाँ क्या है डायरेक्ट प्राइसेस. डायरेक्ट प्राइसेस यानी कंपल्सरी याद रखो हाँ क्या है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई कैसा होता है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ए बाई ई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ए बाय ई और ये नेगेटिव के लिए माइनस ए बाय ई. हाँ सिमिलरली इसके लिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इक्वेशन वाई इक्वल ये कंपलसरी होता है प्लस माइनस बी बाय ई. उसके बाद देख लो क्या ये टेंथ वन ये हमारे लिए टेंथ वन डिस्टेंस बिटवीन फोटा है distance between foci है देख लो क्या है foci यानी और ये कितना था ये distance yes ये कितना है e है ना distance है इधर ae और इधर ae total distance कितना होता है total distance 2ae. similarly ये side में 2be है 2ae और 2be है देख लो इसके लिए distance क्या है 2ae और इसके लिए क्या है टू बी ई. याद रखो ये बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ उसके बाद इलेवंथ नंबर डिस्टेंस बिटवीन फोटा डिस्टेंस बिटवीन फोटा के बाद डायरेक्ट ट्रेसेस देगा ये डायरेक्ट ट्रेसेस डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस क्या है डायरेक्ट ट्रेसेस के लिए ये यहां से ये डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है ए बाई ई और उसी तरह लेफ्ट साइड में क्या है इधर भी ए बाई ई है ये डिस्टेंस टू ए बाई ई राइट साइड लेफ्ट साइड सिमिलरली टू बी बाई ई ये है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट ट्रेसेस. देन लेंथ ऑफ एल आर देख लो आप पहले देखेंगे ट्वेल्थ पॉइंट में एंड्स ऑफ एल आर ends of L R
यानी लेटर सेट टर्म देख लो दोस्तों, लेटर सेट टर्म ये जो फोकस है ना, फोकस में परपेंडिकुलर लाइन यानी लेटर सेट टर्म देखो समझो, ये फोकस है ना, ये फोकस में परपेंडिकुलर लाइन यानी लेटर सेट टर्म। सिमिलरली ऑन इसके लिए देख लो, ये है लेटर सेट टर्म, ये है लेटर सेट टर्म, फोकस में परपेंडिकुलर लाइन यानी कंपल्सरी लेटर सेट टर्म। अब लेटर सेट टर्म के लिए दोस्तों देख लो, लेटर ये एंड पॉइंट होते हैं लेटर सेट टर्म के लिए, ए स्क्वेयर बाय बी, और ये जो डिस्टेंस मालूम नहीं है क्या है डिस्टेंस, समझ लिए ये डिस्टेंस क्या है, ये पैरेलल है, डिस्टेंस सेम क्या है ए ई, और ये बी स्क्वेयर बाय ए है, ये सेम पहला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, एक्स ऑफ एल आर यानी ये चार है, ए दो तीन चार यानी वन प्लस माइनस ए ई, और ये प्लस माइनस बी स्क्वेयर बाय, याद रखो सब चार, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस प्लस ये तीनों माइनस, और ये प्लस माइनस। सिमिलरली ये साइड में आओ, ए स्क्वेयर बाय बी प्लस माइनस, और ये क्या है प्लस माइनस बी ई, ये है एक्स ऑफ एल आर, एक्स ऑफ एल आर देन 13 के लिए आवाज, 13 के लिए आओ, ये 13 नंबर लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर 13 नंबर के लिए देखो दोस्तों, लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर यानी ये ऊपर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये डिस्टेंस यानी वाई कोऑर्डिनेट ऊपर और ये नीचे, ये बी स्क्वायर बाय ए और नीचे भी, ये डिस्टेंस ए ही एक्स, ये डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस यानी वाई कोऑर्डिनेट, बी स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर बाय ए, नीचे बी स्क्वायर बाय ए यानी व्हाट, क्या है देख लो ये टू बी स्क्वायर बाय ए, यहाँ पर टू ए स्क्वेयर बाय बी। दोस्तों देख लो ये तो कंप्लीट चार्ट है, कंप्लीट चार्ट, ये जो पूरा चार्ट है हमारे लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर यू। देख लो यहाँ पर आपके लिए इतने सारे पॉइंट्स आपके लिए बताए हैं, ये टेबल है, ये टेबल के पॉइंट्स पूरे तुम नोट टाइम नोट डाउन कर लो, बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट है, आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल के लिए, स्पेशल शीट के लिए पॉइंट्स के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम बचे हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। अब ये पॉइंट्स देख लो, यहाँ तक है एक टेबल, तुम अच्छी तरह देख लो, ये दो टाइप्स के इलिप्स है और ये तुम्हारे लिए क्रॉस है इलिप्स के, एक कंपल्सरी दोनों का सेंटर ओरिजिन है और अलोंग एक्स और वाई एक्सिस है, दे आर कंपल्सरी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस ओनली टेबल। अब इसके बाद और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।